नमस्कार दोस्तों, एबीपी टेक में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने वॉलेट में पांडा फॉरेक्स ऐप क्या और इस ऐप को अपने वॉलेट में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो दोस्तों, यहाँ से आपको सबसे पहले आपको अपने वॉलेट में प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से पांडा फॉरेक्स स्पीड बूस्टर ऐप करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, यहाँ से इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि 4.0 है और इसकी डाउनलोडिंग है वो 100K+ देखने को मिल जाएगी, जो कि इसकी डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस ऐप को यहाँ से मैं सिंपली ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर कि कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, इसमें आप अपने मोबाइल में किस तरह से इसे आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। तो उसी तरह से ये ऐप रहेगी आपके सामने कुछ इसी तरह से पांडा फॉरेक्स करके, या यहाँ से कुछ ये VPN की तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो, जो कि यहाँ से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे जो भी इंटरनेट टेस्टिंग का ऑप्शन रहेगा वो यहाँ से आप कर सकते हो। क्योंकि इस वाला ऑप्शन पे आपको जो भी इंटरनेट डिलीट टेस्टिंग का हुए ऑप्शन रहेगा कुछ फोटो इसी तरह से वीडियो क्लिक करने के बाद फाइल्स ऐड को आएगी तो ऐड को वापस हम कैसे साइड से लाते हैं क्लोज कर अपने देंगे। गैलरी में उसी तरह से दोस्तों। स्किप करने के बाद दोस्तों ऐसे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी कुछ इसी तरह से आपको सर्वर का नो टेस्टिंग का ऑप्शन दिखा रहा था, उसी तरह से यहाँ से आपको पहले अपना सर्वर को कनेक्ट कर देना है। तो उसी तरह से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से आपको अपना सर्वर को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ से अपना जो भी आपको इधर सर्वर है वो कर लेना है और उसी तरह से ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे जो भी अदर कंट्री में हमारा सर्वर रहेगा वो कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से अपना अपना सर्वर रहेगा कुछ इसी तरह से, यहाँ से कनेक्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा और उसी तरह से ऊपर से आप स्लाइड करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी ब्लेस सर्वर के वो साथ कनेक्ट हो कहीं चुका है। उसी तरह ज्यादा से यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से स्किप तो करने के इस बाद ऐप को आप अपने मोबाइल में आसानी से यूज कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।